यकीन ही नहीं हो रहा, मानव जैसा सुलझा हुआ आदमी भी तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। Can't believe it. अश्विन, I'm really very sorry. जिस घर के तुम दामाद हो वहीं तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई। प्लीज उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे उर्मित, तुम स्टॉप बॉदरिंग योरसेल्फ। मैं तो कब की ये सारी बातें अपने दिल दिमाग से निकाल के फेंक चुका हूँ। अरे जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं हो उसको अहमियत देके क्या फायदा। और रहा सवाल मानव का, वो बेचारा तो अच्छे जीजू होने का फर्ज निभा रहा था। अगर वर्षा को बचाने के लिए उसे झूठ भी बोलना पड़ा तो दैट्स फेयर, उसमें हर्ज क्या है। ये बात भी सही है। मुझे तो सिर्फ काकी के बारे में सोचकर डर लग रहा है। अंशु, हमारे वहां से आ जाने के बाद घर में कोई ना कोई हंगामा जरूर हुआ होगा। बेचारी काकी वहां अकेली। गॉड, ये सब सोचकर मेरा दिमाग फटे जा रहा है। आई थिंक आई नीड टू रेस्ट। कुछ भी कहो, भोली भाली पत्नी होना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। बस उर्मिला का अंधविश्वास इसी तरह मुझ पर बना रहे और मुझे क्या चाहिए। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैंने तुम पर विश्वास जता करके कोई एहसान नहीं किया, एक पति होने का फर्ज अदा किया। लेकिन आय की गलतफहमी का क्या? उनकी नजर में मैं अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख पा रही हूं। जिस दिन से हम लोग मिले मैंने तुम्हारी आई को अपनी आई माना, उन्हें उतनी इज्जत उतना सम्मान दिया और आज वो उस पर ही यकीन करने को तैयार नहीं। बैठो। वर्षा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन एक बार तुम आई की जगह रहकर देखो। एक तरफ अश्विन है जिसे वो पिछले कई सालों से जानते हैं, एक तरफ तुम जिसे 3-4 महीने से ही जानते हैं। आई का ये मानना कि अश्विन झूठ बोल रहा है ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। आई आज नहीं तो कल तुम्हारी अच्छाई को जानेगी। जैसे मैं तुम्हारी बातों की कदर करता हूं, उन्हें मानता हूं, कल वो मानेगी। सतीश, मेरा यकीन कर, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ उर्मिला ताई की वजह से मैं चुप रही। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे शादी से पहले ये सब कुछ बता देना चाहती थी, मैंने मना किया कि नहीं, मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज भी मैं वही कहता हूँ, आज भी मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ भी लेना देना नहीं। समझो, तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम्हें जरूरत है उसकी। अच्छा, मैं ये सब कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मुझे जबरदस्ती प्यार करो।
मेरी बातें अभी वही हैं। तुम्हें दिल से मुझसे प्यार होगा तब इजहार करना, ठीक है? श्रावणी, सब कुछ ठीक तो है ना? पता है मानव, ये महाशय अब लात मारने लगे हैं। मानव, मैं आपको बता नहीं सकती कितना प्यारा एहसास है ये। आई बनने का असली सुख मुझे अब होने लगा है। देखिए ना मानव, शायद आप भी महसूस कर पाए। लात मारी ना शैतान कहीं का। जब ये आएगा ना तो हम सबको परेशान करके घर देख लेना, और आई को तो ये अपने पीछे पीछे भगाएगा। और जब ये आएगा ना तो हम सबकी जिंदगी में खुशी आ जाएंगी। जरा वर्षा के यहाँ फोन करके देखिए ना, कल रात हमारे वहां से निकलने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा। सुलोचना, अरे कुछ नहीं हुआ होगा वहाँ। अगर वहाँ ऐसी वैसी बात होती तो अब तक तो वहीं से फोन आ चुका होता। देखिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं खुद जब तक वर्षा से बात नहीं करती ना मुझे चैन नहीं मिलेगा। करिए ना फोन। ठीक है, देखता हूँ। हेलो वर्षा, कैसे है तू? कल हमारे वहां से जाने के बाद क्या हुआ? सतीश ने क्या कहा? आई, मैं सतीश बोल रहा हूँ। वर्षा बाहर है। बस बेटा वो। आई आप चिंता मत कीजिए, वर्षा बिल्कुल ठीक है। सतीश, बेटा वर्षा तुमसे झूठ नहीं बोल रही है। आई मैं जानता हूँ, मुझे उस पर भरोसा है। कोई कुछ भी राय दे उसके बारे में, मैंने उसे बहुत नजदीक से जाना है, समझा? इसलिए अभी वर्षा के बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ हूँ। सतीश भाई, आपको याद होगा मैंने विदाई के वक्त आपसे बाबा से एक वादा किया था कि मैं वर्षा को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। आई मैं अपना ये वादा हमेशा निभाऊंगा। पता नहीं मैंने बापा की क्या सेवा की कि मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा दामाद मिला। मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं वर्षा से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। रचना देखो, मैं ऐसे यहां बांध रहा हूं थोड़ा नीचे, अब तुम्हें कपड़े सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ रचना, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मानव, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ मेरे किए पर शर्मिंदगी है। मतलब? मानव, कल मैंने वर्षा की बात को लेकर जो कुछ भी कहा ना मुझे माफ कर दीजिए मानव। मेरा ऐसा इरादा नहीं था आपसे इस तरह से बात करने का, लेकिन जैसे ही मैंने वर्षा के बारे में ये सब कुछ सुना ना तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई मानव। यकीन मानिए मानव, आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। तुम ये सब क्यों कह रही हो अर्चना? हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, मैं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और कल मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मानव, ये तो आपका बड़प्पन है क्या? नहीं अर्चना, मैंने तुमसे पहले भी कहा
हम पति पत्नी बाद में हैं, पहले एक अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम एक दूसरे को डांट सकते हैं, हमें पूरा हक है कि एक दूसरे को अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखा सकते हैं। और एक बात कहूंगा, कल जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे यह हक कभी नहीं छीनूंगा। मानव, अर्चना, मुझे भी तो एक दोस्त की जरूरत है ना, जिससे मैं हक से जिसको अपने दिल की बात बता सकूं, अपनी खुशियां, अपने दुख जिसके साथ बांट सकूं। मैं और किसी के साथ ये नहीं कर पाता अर्चना, मैं अपने इस दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए हम दोनों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में। उसमें तुमसे एक वादा करना चाहते हूँ कि कल चाहे हम कितने भी दूर, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन के हमेशा रहेंगे। वर्षा की बातों पर भरोसा कर रहा है? कमाल है, इतने सालों से जानता है वो अश्विन को, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उर्मिल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज एक भाई होने के नाते मैं हार चुकी हूँ, पूरी तरह से हार चुकी हूँ। सतीश पूरी तरह से अपनी अपनी बीवी के हाथों में चला गया है, उसके लिए वही सही है, और हम सब तो जैसे दुश्मन है उसके। काकी, और बिला, खो दिया सतीश को हमने, खो दिया पूरी तरह से सतीश को। उर्मिला, मैं करती हूँ बेटा तुझे फोन, ठीक है? क्या हुआ ये? फोन क्यों काट दी? जो बोलना था वो बोल लेती। तुझे क्या लगता है, अब भी हमारे बीच कहने सुनने लायक कुछ बचा है? नहीं सतीश, और हाँ, मैंने जो भी कहा ना, उसमें कुछ भी गलत है। अरे, सालों पुराने रिश्ते तोड़ कर तू वो 15 दिन पुराना रिश्ता अपना रहा है? मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तू वर्षा कितनी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सच बोल रही है और हम झूठ बोल रहे हैं। खैर, जाने दे सतीश, मैं चाहे तेरे लिए कितनी भी अपनी जान आधी कर लूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा के प्यार में तेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। भाई, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम मुझे अच्छे से जान नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि मैं किसी की भी बातों में आकर के झूठ को सच मान लूंगा? मैंने आज तक उस इंसान का साथ दिया जो सही है, और मैंने आज वर्षा का साथ इसलिए दी क्योंकि वो सही। ठीक है सतीश, आज तक सिर्फ सुना था कि एक बेटा अपनी आई का तब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। आज देख भी लिया, मेरे ख्याल से गोद भराई के लिए इतने पैसे काफी है ना दादा? मानव, अभी भी आई का फोन आया था,
और आई वर्षा के बारे में बता रही थी। आई, जैसा हमने सोचा था ना वैसा ही हुआ। भले ही भावना का की गलतफहमी का शिकार है, लेकिन सतीश जी वर्षा से उतना ही प्यार करते हैं और उसकी हर एक बात पे यकीन कर रहे हैं। मुझे पता था सतीश इतना समझदार है कि वो अश्विन की बात कभी नहीं मानेगा। और तुम देखना, एक दिन वर्षा और सतीश दोनों मिलकर भावना काकी को भी समझा लेंगे। भगवान करे और वो नालायक अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ जाए। जा भाई जा, देवा पुढे साखर ठेव, जा तू। चलो, वर्षा इस झंझट से निकल जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। आई, मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद हम गोद भराई की तैयारी शुरू करते हैं। बाबा, तुम्हीं लोग को जेवणाचं बघून घ्या। और मानव आप फूलों के ऑर्डर्स दे दीजिए और आई मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं, है ना? हाँ, लिस्ट बनाना, लेकिन उसमें सुलोचना ताई और उनके परिवार का नाम मत लिखना। लेकिन सविता, मैंने जो भी बोला है ना सोच समझ के किया है, उस पर बहस नहीं होगा। लेकिन तुझे मेरी भाषा समझ में नहीं आती? अरे अर्चना, देख तुझे काम करना है, तू और मानव आज जाके रसिका ताई को श्रावणी की गोद भराई का न्योता देना। चाली में जिनको देना हो मैं जाके दे दूंगी। हाँ, दादा, बाबा और मानो वो सब खाने का इंतजाम करेंगे। और मैंने फूलों का ऑर्डर दिया है, तेरे दिमाग में कुछ है तो बता दे, जरा बुढ़ी हूं ना, भूल जाती हूँ इसलिए। मुझे मालूम है तू नाराज क्यों है। मैंने सुलोचना ताई को नहीं बुलाया इसलिए ना। क्या करूं अर्चना, पापा ने तुझे कुछ अलग ही बनाया है। तेरी आई, मैं, हम सब आम लोग हैं। हमसे बच्चों का दुख दर्द नहीं देखा जाता, नहीं सहा जाता। मुझे बता, जब तेरी आई यहाँ आएगी, श्रावणी को तेरी जगह लेते हुए देखेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं भी एक बेटी की माँ हूं, जब अपनी बेटी को उसका हक नहीं मिलता तो माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। हम बेटी की बदनसीबी का नजारा खुशी खुशी नहीं देख सकते, और इसलिए मैंने प्रायश्चित करना चाहा और तेरी आई को नहीं बुलाया। आज तक मैंने सुलोचना ताई के साथ बहुत सारे झगड़े किए, उल्टा सीधा बोला। शादी के बाद मैंने तेरे साथ जो बुरा सुलूक किया, तभी भी उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी। और इसलिए मैंने ये फैसला किया है। तुझे क्या लगता है अर्चना, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? मुझे मालूम है तेरे पास हर सवालों का जवाब है, फिर तू चुप क्यों है बेटा? मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसी हूँ, बोल ना बेटा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? अभी मैं आपके इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती? अगर आप मेरी जगह होती तो आप इन सवालों का क्या जवाब देती? देख बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे मालूम है, बहुत रोकना चाहती हूँ, लेकिन बेटा रोकू तो कैसे रोकू, बता ना बेटा, अभी कैसे रोकू मैं बेटा?